What's up? This is Bilal. ये है Oppo का Oppo Reno 8 Pro and ये है Nothing का Nothing Phone 1. इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं. Nothing Phone कंपनी का कहना है कि वो उनका एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस है और वो Apple एंड Samsung को कम्पीट करने वाला है. क्या ये वाकई Apple एंड Samsung को कम्पीट करेगा? वैसे Nothing Phone 1 एक फ्यूचरिस्टिक फीचर एंड यूनिक डिजाइन के साथ आया है, जबकि दूसरी साइड पे Oppo Reno 8 Pro भी आपको पता है कैमरा सेंट्रिक फोन के लिए जानी जाती थी, एक अच्छी डिजाइन, लेकिन इस बार Oppo ने उसकी परफॉर्मेंस को भी बेटर किया है. दोनों फोन ऑलमोस्ट आपको सेम प्राइस में मिलते हैं, तो दोनों में कंपैरिजन क्या है? अगर आप कोई भी फोन लेने की सोच रहे हो और दोनों फोन में कंफ्यूज हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो. स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि जब भी मैं ऐसी न्यू वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो सबसे पहले हम दोनों फोन के डिजाइन की बात करते हैं, क्योंकि एक यूनिक डिजाइन के साथ आता है और दूसरा तगड़ी डिजाइन के साथ आता है. सबसे पहले हम Nothing Phone 1 के डिजाइन की बात करते हैं. Nothing Phone 1 की जो बैक पे डिजाइन आपको मिलती है, सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स आपको इसके बैक पे मिलते हैं. सबसे पहले इसका जो यूनिक फीचर है वो है इसका ग्लिफ टेक्नोलॉजी. अब देखिए, ग्लिफ टेक्नोलॉजी है क्या? ये एक 900 मल्टीपल एलईडी लाइट से बनी हुई है और उसका काम यह है कि जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, इवन आपको कोई भी रिंगिंग आती है, अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो तब ये ब्लिंकिंग एंड वाइब्रेट करेगा. ये जो फीचर है ग्लिफ टेक्नोलॉजी, यही इस फोन को अलग थलग बना ही देता है. वैसे इसके आपको जो फ्रेम है मेटालिक फ्रेम में देखने को मिलते हैं और इसकी जो इनहैंड फील है वो आपको प्रीमियम ही देखने को मिलती है. दूसरी जगह पे हम Oppo Reno 8 Pro के डिजाइन की बात करते हैं, वहां पे आपको वही आपको बॉक्सी फ्रेम मिलते हैं, पूरा बैक आपको फ्लैट मिलता है, कैमरा के बम थोड़ा ऊपर दिया गया और कैमरा की जो डिजाइन है बहुत ही अच्छी रखी गई है. अगर आप मेरे राय रहते हैं दोनों के डिजाइन के बारे में, तो मैं Nothing Phone 1 के पास जाऊंगा, क्योंकि वहां पे आपको उसके बैक पे फ्यूचरिस्टिक फीचर एंड यूनिक डिजाइन मिलती है, जबकि Oppo Reno 8 Pro की डिजाइन थोड़ी आपको दूसरे फोन पे ऐसी मिल जाती है. पूरा बैक फ्लैट और पूरा बॉक्सी फ्रेम तो आपको दूसरे फोन पे ही मिलते हैं, लेकिन Nothing Phone 1 की एक यूनिक डिजाइन है, यही डिजाइन इस फोन को अलग थलग बना देती है. तो डिजाइन के हिसाब से Nothing Phone 1 इज बेटर फॉर यू. अब इन दोनों के डिस्प्ले की बात करते हैं. तो Nothing Phone 1 पे डिस्प्ले पे आपको एक OLED डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है. डिस्प्ले के डिजाइन की बात करते तो आपको साइड पंचोल कैमरा मिलता है, लेकिन बेजल्स आपको थोड़े बड़े कर दिए गए हैं. अगर ये फ्लैगशिप कलर डिवाइस है या फ्लैगशिप से कंपीट करने वाली है, तो Nothing Phone को चाहिए था कि थोड़ा बेजल्स आपको कम दे देते तो बहुत ही अच्छा था. आप देख रहे हो कितने बड़े बेजल्स हैं भाई. अगर वहीं आप Oppo Reno 8 Pro की बात करते तो नैरो बेजल्स आपको मिलते हैं, एक सेंटर पंचोल कैमरा मिलता है, AMOLED स्क्रीन है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, HDR 10 प्लस की सपोर्ट भी मिलती है. अब देखिए, Nothing Phone 1 पे आपको OLED मिलता है, जबकि Oppo Reno 8 Pro पे आपको AMOLED मिलता है. OLED से बेहतर आपको AMOLED रिचर एंड हायर कलर्स प्रोवाइड करेगा. में OnePlus 8 Pro Nothing Phone 1 से बेटर है डिजाइन में भी और स्पेक्स में भी. अब देखें दोनों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं. Nothing Phone 1 पे आपको Snapdragon 778G Plus वाला चिपसेट मिलता है, जबकि Oppo Reno 8 Pro पे आपको MediaTek Dimensity 8100 Max वाला चिपसेट मिलता है. अब देखें दोनों चिपसेट में से कौन सा चिपसेट बेहतर. ये जो आपके सामने चल रहा है, ये इसका CPU परफॉर्मेंस है, ये इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है, बैटरी ड्रेन है और दूसरे जो स्पेक्स हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं. MediaTek Dimensity 8100 Max जो है इज फार बेटर देन Snapdragon 778G प्लस. अब देखें Nothing Phone का कहना यह कि ये एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस है और Apple और Samsung को कम्पीट करने वाली थी. अब देखें Snapdragon 778G प्लस क्या ये वाकई कम्पीट करता है? क्या यही चिपसेट अब ये फ्लैगशिप किलर बनेगा या फ्लैगशिप डिवाइसेस को कम्पीट करेगा? मुझे नहीं लगता. कोई भी अच्छा चिपसेट इससे बेटर दे देती तब भी ये कम्पीट कर पाता फ्लैगशिप डिवाइस है. ये तो Oppo Reno 8 Pro से भी कम्पीट नहीं करेगा भाई. परफॉर्मेंस में Oppo Reno 8 Pro बेहतर है Nothing Phone 1 से. देखें इनके कैमरा की बात करते हैं. यहाँ पे आपको इसका जो मेन सेंसर है Nothing Phone 1 का 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि Oppo Reno 8 Pro पे भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है. दोनों के सेंसर आपको सेम मिलते हैं और दोनों की कैमरा क्वालिटी आपको तगड़ी एंड एनहांस मिलती है. कैमरा की बात करते हैं, Nothing Phone 1 पे आपको अल्ट्रा वाइड 16 मेगापिक्सल तक दिया गया है, जबकि Oppo Reno 8 Pro पे आपको अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल तक दिया गया है. तो यहां पे Nothing Phone 1 अल्ट्रा वाइड पे आगे है. अगर कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं दोनों की, तो दोनों में आपको कैमरा क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, जबकि आपको Oppo Reno 8 Pro पे स्लाइडली बेटर कैमरा मिलेगा Nothing Phone 1 से. दोनों पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Oppo 80 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, Nothing Phone 1 33 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. Nothing Phone के बॉक्स पे आपको 45 वाट वाली एक ब्रेक देखने को मिलेगी. ये थे दोनों के ओवरऑल ऑन द पेपर स्पेक्स. अब देखिए आप मेरे फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं, तो डिजाइन के हिसाब से Nothing Phone 1 इज बेटर. अगर आप स्पेक्स के हिसाब से आप कहते हो तो Oppo Reno 8 Pro Plus इज फार बेटर देन Nothing Phone 1 भाई. सिर्फ आपको Nothing Phone 1 पे एक फ्यूचरिस्टिक जो फीचर दिया गया वो ग्लिफ टेक्नोलॉजी है जो इसके बैक पे आपको लगाई दी गई है. बाकी ये फोन वैसे ही एक आप कह सकते हो जैसे आम फोन होते हैं, वही आपको स्पेक्स इस फोन पे आप पे मिलते हैं. अगर आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, तो आप Oppo Reno 8 पास जा सकते हो. अगर आप मैं आपको इसके दोनों के प्राइस के बारे में बताता चलूं, तो यहाँ पे Nothing Phone 1 की जो प्राइस है 470 यूरो रखी गई है ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट में. अब इसको आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हो तो ये तकरीबन 98,000 बनते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में आपको 1,20,000 तक आराम से ये पाकिस्तान में मिलेगा, जबकि Oppo Reno 8 Pro आपको पाकिस्तान में 1
130 या 135,000 तक राउंड अबाउट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक लाफिज।